इधर ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराने के मामले में केस में गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद पुलिस ने नामजद आरोपी मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी पर जिलाधिकारी ने एनएसए लगा दिया। अब्दुल रहमान संजय नगर सेक्टर 23 की जमा मस्जिद का मौलवी है, जिस पर कविनगर थाने में पिछले दिनों धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने अब रहमान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई करते हुए उसे डासना जेल भेज दिया गया है। आज उक्त अभियुक्त अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के अनुक्रम में उन्हें एनएसए के अंतर्गत जिला कारागार में निरुद्ध किया गया है। अब्दुल रहमान ने 8 जून को जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी जमानत नहीं दी गई। अब्दुल रहमान पर गाजियाबाद के दो किशोरों के धर्मांतरण कराने का आरोप है। इसी मामले में आरोपी मौलवी अब्दुल रहमान और मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो को गिरफ्तार किया गया था। बद्दो के मामले में पुलिस और जांच कर रही है। गाजियाबाद पुलिस ने अब्दुल रहमान को 10 जून को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।